नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी आपके साथ। कोविड 19 से जहां पूरा देश सहित प्रदेश खासतौर से रीवा भी परेशान है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में भी इस समय मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा चुनाव है। बिंदु इससे अछूता है। यहां के मनगवा के स्थानीय विधायक पंचूलाल प्रजापति ने पिछले दिनों अपने निवास पर कुछ पत्रकारों से बातचीत करते हुए रीवा एसपी के खिलाफ कुछ ऐसे बातें कही, जिससे राजनीतिक गलियारों में निश्चित रूप से तूफान आने की भी संभावना दिखाई दे रही है। मनगवा विधायक का साफ तौर से कहना था कि एसपी उनके इलाके में जबरदस्ती हस्तक्षेप कर रहे हैं। देखिए, सोचिए, एक एसपी जो बेहतर तरीके से काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने में लगा हुआ है, उसके खिलाफ राजनीतिक गलियारों में किस तरीके से साजिश की जाती है, उसका ये जीता जागता नमूना है। विधायक जी स्वयं मान रहे हैं कि इस मामले को लेकर उन्होंने गृह मंत्री से भी बात की थी, टीआई का तबादला रुकवाने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी टीआई के जिस तरीके से कार्य थे, टीआई जिस तरीके से अपने कार्यों में लापरवाही कर रहे थे, एक सख्त पुलिस अधिकारी को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने उसको निलंबित कर दिया। फिर भी मनगवा विधायक उसके निलंबन की वापसी के लिए अड़े हुए हैं। आप खुद देखिए मंचूलाल प्रजापति क्या कुछ कह रहे हैं। ये पत्र इसलिए लिखा गया कि एक हमारे थाना प्रभारी अधिकारी सुरेश शुक्ला जी थे, जो अभी अभी 3-4 माह के लगभग हुआ, हमने इनका वहाँ नियुक्ति कराई। नियुक्ति कराने के बाद ये जो एसपी रीवा एसपी हैं राकेश सिंह, तो राकेश सिंह जी द्वारा उनको कई बार इंगित किया गया कि इनको हटाना है और ऐसा है फलाना है, कई लोगों को लाने का प्रयास कर रहे थे। कभी समरजीत को लाने के लिए वो कर रहे थे कि हम समरजीत को रख दें, ये है वो है। फिर एक बार इन्होंने ऐसा कुछ वो किया कि विद्यावारी का स्थानांतरण नईगढ़ी में विद्यावारी जी थे, विद्यावारी का स्थानांतरण करवा रहे थे कि मनगामा में हो जाए, परंतु हम अड़ गए कि भाई देखिए मनगामा में हम नहीं करेंगे, क्योंकि विद्यावारी जी जो है यहाँ आ करके और ठीक काम नहीं करेंगे हमारी समस्या। तो फिर एसपी साहब ने उनको बैकुंठपुर थाना किया। बैकुंठपुर थाना करने के बाद माननीय विधायक गिरीश गौतम जी फिर उनको ले जा करके और नई गढ़ी में किया। उनकी मंशा थी कि मनगामा में हो, परंतु मनगामा में हम अड़ जाने के कारण ये मनगामा नहीं करा पाए, इसलिए बैकुंठपुर में किए। अब बैकुंठपुर से फिर नई गढ़ी ले गए, मतलब क्या मतलब था, फिर जब नई गढ़ी ही वो करना था तो वहीं रहने देते, फिर क्यों स्थानांतरण किए। इन्होंने उसी ईर्ष्या को लेकर के मनगढ़ंत करते रह गए, बल्कि एक बार हटाने का प्रयास किया कि नहीं नहीं विद्यावारी को रखेंगे। फिर हमने गृह मंत्री जी से ये बात अवगत कराया कि भाई ये दूसरे को लाना चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे काम चलेगा। गृह मंत्री जी ने एसपी से कहा कि देखिए ऐसा है, जो क्षेत्रीय विधायक कह रहे हैं उसी के मुताबिक काम करिए, शुक्ला जी को रहने दीजिए। डीओ लेटर उन्होंने लिखा है, ये 5-8 को 2020 को डीओ लेटर लिखा डीजीपी को कि इनको जो है जिले से बाहर कर दिया जाए। अब उसका नकल तो जरूर, ऑफिशियल कागजात है तो ऑफिशियल कागजात तो मिलेगा नहीं, परंतु इन्होंने पहले भी, फिर हमने गृह मंत्री को बताया कि इन्होंने जिले के बाहर के लिए लिखा, फिर डीजीपी से बात की, डीजीपी ने फिर उसको किसी भी तरह से रोका। अब जब नहीं हुआ तो सीधे इसका दोषारोपण लगा करके और सड़ा सा दोष लगा करके और इन्होंने निलंबन कर दिया। अच्छा, निलंबन में इनसे आईजी साहब से भी परमिशन भी नहीं लिया कि भाई मैं ये टीआई का निलंबन कर रहा हूँ तो परमिशन ले ले, और इन्होंने डायरेक्ट जो है ये कार्ड लगा करके कि वो लड़की के पिता को ये बैठाए। मैं ये चाहता हूँ कि वो शुक्ला जी को पुनः बहाल करें और बहाल करके उनकी पदस्थापना मनगामा में ही करें, और एसडीओपी ने जो षड्यंत्र के मुताबिक ये बना कूट रचित करके और वो किया है, तो इसका भी वहाँ से निलंबन किया जाए, एसडीओपी को भी वहाँ नहीं रखना चाहते।
अब मांगे पूरी नहीं होगी तो अब जैसा भी होगा हम देखेंगे, आगे भी हम कुछ इसका उपाय निकालेंगे, सीएम से बात करेंगे, गृह मंत्री जी से बात करेंगे, अगर और ऐसी विकट परिस्थितियां आती हैं तो और भी देखेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान ईशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।